बरबड़ी से वर्धामना तक रैली के साथ पैगंबर हजरत मोहम्मद की जयंती और ईद मिलानुन भी मनाई गई। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। वाड़ी में हर जगह रैली आयोजित की गई। ईद मिलानुन भी के अवसर पर वर्धामना के हजरत सैयद शाह मलंग बाबा दरबार में चादर चढ़ाई गई। रैली में घोड़े बग्गी ऊँटों को भी सजाया गया। पूरे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सफेद और हरे रंग के कपड़े प्रदान कर रैली में हिस्सा लिया। वर्धामना रशीदाबाद टाउन में भव्य महाप्रसाद का आयोजन किया गया। सचिव मोहम्मद शब्बीर अंसारी के माध्यम से टाउन मस्जिद सूरबरडी में सत्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रैली में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने भाग लिया और सभी ने बड़े उत्साह के साथ ईद मनाई। मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग मौजूद थे। मोहम्मद अब्दुल्ला अंसारी, शबीर अंसारी, हिदायत अंसारी, मौलाना जुबेर साहब, मोहम्मद रिहाज, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद समीम, फारूक नवाब, पप्पू भाई, जावेद अंसारी, अनवर अंसारी, एजाज अंसारी, अकबर मुख्य रूप से उपस्थित थे। साथ ही वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रदीप राय निवार के मार्गदर्शन में उप पुलिस निरीक्षक घोड़की गुप्त शाखा चक्रधर भरवत ने अच्छी व्यवस्था की थी। वर्धामना आज की शब या आज का दिन ये बहुत ही अहम दिन है, जिस दिन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया एक खाक गीते पर तशरीफ लाए। और उनके तशरीफ़ लाने से पहले बहुत ज़्यादा अंधेरा था, भाई भाई में मोहब्बत नहीं हुआ करती थी और ईमान ख़त्म होता जा रहा था। ऐसे आलम में हमारे और आपके दरमियान नबी पाक सल्लम तशरीफ़ ले आए और नबियों ने जो पैगाम दिया है वो पैगाम को आज हम लोग आम करते हैं, जैसे भाईचारगी, मोहब्बत, प्यार, एक दूसरे की इज्जत, ये सारे पैगाम हमें हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है और यही पैगाम हम पूरी दुनिया में भाईचारगी के साथ पेश करते हैं। मैं आपका चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा कि आपस में मेल जोल रखे, ख़ास तौर से जो हिंदुस्तान के अभी बिगड़ते हुए हालात है, आपसी इंतशार है, उसको ख़त्म करते हुए एक दूसरे की इज्जत करते हुए भाईचारगी और मोहब्बत के साथ दोनों लोग ज़िंदगी गुजारें। मैं साथ ही अभी वाड़ी पुलिस स्टेशन और यहाँ के लोग, जितने लोगों ने मतलब इसमें हिस्सा लिया, उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही वाड़ी पुलिस स्टेशन के तमाम ओहदेदारान और अधिकारी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वाड़ी से NBCN न्यूज़ के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।